ली है कुछ के लिए, अभी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ लो। अच्छा आपने सब तैयारी कर ली है? हाँ। चलो मैं चेक करता हूँ, लाओ आपकी नोटबुक। सानी मैं आपसे नेशनल सिंबल्स तो बाद में पूछूंगा, ये बताओ हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उसके दिन हमारे कॉन्सेंट्रेशन लागू हुआ था। अरे कॉन्सेंट्रेशन नहीं सानू, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अपने कंट्री का ना एक रूल बुक है, वो रूल बुक में पता है क्या क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, और क्या कंट्री में करना सही है और क्या कंट्री में करना गलत है। तो वो एक रूल बुक है जो हमारे कंट्री के लिए है, और वो रूल बुक पता है आपको किसने लिखी थी? भीम राव ने, वो लिखी थी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। सानी ये बताओ हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। अच्छा आपने उनकी फोटो देखी है? हाँ सब लोग देखते हैं, रोज देखते हैं, वो सारे नोटों पे भी आते हैं। अरे वाह, हाँ सारे नोटों पे तो महात्मा गांधी जी की फोटो है। सानी अब ये बताओ हमारी नेशनल करेंसी क्या है? इंडियन रुपीस। अरे वाह सानी को तो सब पता है। सानी हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो, मेरा फेवरेट। पापा मैंगो रोज क्यों नहीं आता? मेरे को मैंगो खाने का बहुत मन है, कब आएगा? सानी मैंगो को ऐसे ही किंग ऑफ फ्रूट नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ समर्स में आता है, एंड जब आएगा समर्स में अप्रैल में तब मैं आपको बाय करके दूंगा, ठीक है? ओ कितना देर, ओ मैन। अभी चलो नेक्स्ट सिंबल बताओ, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। इतना सारा पानी पीता है, पहले बताओ कभी वॉशरूम भी क्यों नहीं जाता? अरे प्लांट्स वॉशरूम नहीं जाते, ठीक है? हाँ। देन पानी कैसे निकालता है व्हेन फुल हो जाता है? प्लांट्स में नहीं होता है, प्लांट्स वाटर लेते हैं, अपना फूड कुक करते हैं और सनलाइट आता है और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। ओके नेक्स्ट वन। अभी ये बताओ मुझे हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। आई हैव अ पी एंड अ कॉक। पीकॉक व्हेन इट इज रेनिंग यू सी अ पीकॉक। डॉग बक आई हैव अ पीकॉक। आई एम अ पीकॉक एंड ऑल व्हेन इट इज रेनिंग अ पीकॉक यू विल सी डांसिंग डांसिंग राइट आउट योर डोर स्टेप। चलो गुड जॉब। नेक्स्ट सानी हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। टाइगर नहीं सानवी, बंगाल टाइगर। बाबू तो देखो। अच्छा आप टाइगर बन के मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहे हो? सानवी हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? बनियन ट्री। पता आपको इसे हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं, ओके? और इसके जो ब्रांचेस होती है ना सानू, उसमें से ना रूट्स निकलती हैं और वो ग्राउंड में चली जाती हैं। पापा ये बर्गन ट्री हिंदी में क्यों कहते हैं? ये लग रहा है बर्गर है और इसको खा सकते हैं, क्या उसको खा सकते हैं? बर्गर नहीं है, बरगद का पेड़ है। और जब हम छोटे थे ना तो जो उसके ब्रांचेस में से जो उसके रूट्स निकलते थे ना, हम उसको पकड़ के ऐसे स्विंग करते थे, वू वू, बहुत मजा आता था। पापा मेरे को भी करना है, कितना मजा आता था आपको? अरे बहुत मजा आता था, हम कोई बरगद का पेड़ मिलेगा ना तो आपको मैं लेके जाऊंगा उसमें स्विंग करने के लिए। ओके अभी मुझे बताओ हमारा नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? पम्पकिन। पम्पकिन पापा आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ पम्पकिन, इट इज टू स्वीट और स्मेल भी थोड़ा सा अजीब होता है। मेरे को भी कद्दू पसंद नहीं है। पापा। हाँ?
नेशनल वेजिटेबल होना चाहिए आलू। आलू मेरे को अच्छा लगता है और सारे वेजिटेबल्स में डालता है और वो इतना यम्मी होता है। जब आप अपना कंट्री बनाओ ना तो उसमें आलू को पोटैटो को नेशनल वेजिटेबल बना देना, ठीक है पापा। अभी बताओ हमारी नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। Yeah. गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगा हिमालय से ओरिजिनेट होती है और वो पूरा ठंडा ठंडा पानी ऊपर से नीचे नीचे आते आते सी में चला जाता है। पापा गंगा का पानी क्या कितने दिनों के लिए फ्रेश ले सकता है? वो फॉरएवर फ्रेश रहता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आता है, पता है आपको? सो कभी उसको फेंकना नहीं पड़ता। हाँ, उसको आपने बॉटल में रख लिया तो उसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। चार साल के बाद? हाँ, 4 साल के बाद भी स्मेल नहीं आती है उसमें से। अभी हमें बताओ नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? किंग कोबरा। पापा मैंने एक सॉन्ग भी सुना है, ओ नागिन। पापा ये रेप्टाइल्स होते हैं, ये लोग के जीव ऐसे क्यों निकलते हैं? सानी, ये जो स्नेक्स होते हैं ना बेटा, ये टंग से ना सेंस करते हैं, ओके, कि एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, ओके। सो जितना भी डेंजर है, इनके ईयर्स तो होते नहीं स्नेक्स के, आईज होती हैं, बट ये टंग से सेंस करते हैं किधर डेंजर है किधर नहीं है, ओके, इसलिए बार बार टंग निकालते हैं। सानवी, हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, और उनकी बड़ी सी सूंड होती है। पापा गणपति पापा के पास भी एक बड़ी सी ट्रंक है। गणपति पापा लड्डू कितने खाते हो और बनाना कितने खाते हैं? बहुत सारे खाते हैं। एक दिन में कितने खाते हैं? सानवी, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन। पता है डॉल्फिन ऐसे जंप करते हुए जाते हैं वाटर में। पापा डॉल्फिन, व्हेन डॉल्फिन की ट्रेनिंग होती है ऐसे करते हैं, और सर्कस में भी एक बड़ा सा टंकी लेकर के वो लोग को डालते हैं। हाँ, और डॉल्फिन पता है बहुत स्मार्ट होता है एनिमल। कैसे? वो लर्न करता है ह्यूमंस की तरह बहुत सारी चीजें, वो दूसरे का अच्छा वो ट्रिक्स भी सिखा सकते हैं। हाँ, दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में वो बहुत स्मार्ट होता है। सानवी, आपको पता है हमारा नेशनल एम्ब्लम क्या है? अशोक स्तंभ। आपको पता है अशोक स्तंभ में ना 4 लायंस होते हैं? एक आगे, एक इधर, एक इधर, एक पीछे। हाँ, तो उसको बोलते हैं, एक लायन होता है नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, चारों डायरेक्शन में एक एक लायन होता है, ठीक है, और उसके नीचे एक होता है अशोक चक्र। आपको पता है वो अशोक चक्र में वो कितनी लाइनें या स्पोक्स होती हैं? हाँ, 24। अरे वाह। सानवी, हमारा नेशनल फ्लैग कैसा दिखता है? हमारे नेशनल फ्लैग का ट्राई कलर है। सानवी, हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं? ऑरेंज, यस, व्हाइट, ग्रीन और अशोक का चक्र डार्क ब्लू। हाँ, आपको पता है अभी जो हमने नेशनल एम्बलम में बात किया ना, नीचे अशोक चक्र होता है, सेम अशोक चक्र हमारे फ्लैग के सेंटर में भी है और उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। आई नो दैट। गुड। अभी ये बताओ मुझे नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। अरे वाह, पता है वंदे मातरम ना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था और ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत फेमस था, ठीक है। वंदे मातरम। यस। और अभी मुझे आता हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। गुड। जन गण मन। अभी ये बताओ ये लिखा किसने था? नहीं पता। ये लिखा था? नहीं पता। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ओके। और आपको पता है नेशनल एंथम कितने टाइम में हम सिंग करते हैं?
वेन बजता होता है। ऐसा नहीं, नेशनल एंथम का टाइम है 52 सेकंड्स, 52 सेकंड्स में सिंग करते हैं। सानवी, हम नेशनल एंथम कौन सी पोजीशन में सिंग करते हैं? स्ट्रेट, सावधान, सावधान, जय हिंद। अगर आपको ये भी अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। स्प्रेड लव एंड स्माइल Dab. And see you all next time. Bye-bye.